हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। जय श्री कृष्णा आप सभी के लिए। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मैंने मैदा ली है जिसको मैं छान रही हूँ, और इस तरीके से पूरी मैदा मैं छान लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सो गाइस, एक बार मैंने छलनी से छान लिया है, ये दोबारा मैं छान रही हूँ। तो आप गाइस सोच रहे होंगे कि मैं बनाने क्या जा रही हूँ, तो पहले तो मैदा अच्छे से छान लेंगे। सो गाइस, अब मैदा छान चुकी है, चलिए पूरी बात बताती हूँ। सो गाइस, ये है 1 किलो समथिंग मैदा। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ नमक पारे और मटरी। चाहे तो आप मटरी बना सकते हैं, चाहे तो आप नमक पारे भी बना सकते हैं। सो गाइस, मैं आपको दोनों रेसिपी बनाकर दिखाऊंगी कि नमक पारे और मटरी कैसे बनाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ले लेंगे 1 किलो मैदा, क्योंकि छल्दी से छान लेंगे ताकि उसमें जो कंकड़ वगैरह हो, तभी बाजार से मिलती है तो कोई गंदगी ना रहे, इसलिए उसको छल्दी से पहले छानना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये कंप्लीट मैंने छलनी से छान ली है, और गाइस ये देख सकते हैं कि 1 किलो समथिंग मैदा है। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैदा लेने के बाद इसको बीच में ऐसे करके कर देंगे ताकि आसानी रहे आपको। अभी मैंने इस तरीके से बीच में एक गड्ढा टाइप का कर दिया है। सबसे पहले इसमें डालेंगे ऑयल, जो मैंने छोटी कटोरी ली है, जो नॉर्मल कटोरी है, जो इसमें ऑयल डाल देंगे। ये वाली समथिंग कटोरी आपके सभी घर में रहती होगी, इतनी छोटी। अगर नहीं है तो आप चमचे से भी क्वान्टिटी लगा सकते हैं, इसे समथिंग 2 चमचा ऑयल आता है। अब ये मैंने दूसरी कटोरी ली है, इसको थोड़ा सा खाली रखा है, पूरा भरा नहीं है। पहले जो कटोरी ली थी पूरी भरी थी, अब इसको भी इस तरीके से डाल देंगे। तो समथिंग इसमें मैंने 3.5 चमचे ऑयल डाला है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। चीनी की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम रखी है, 1 बड़ा चमचा लिया था तो उसे चीनी 1/2 चमचा समथिंग मैंने डाली है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक की क्वांटिटी आप परफेक्ट देख लीजिएगा, जिस हिसाब से मैंने, तो इसमें 2 टीस्पून मैं डाल चुकी हूँ, 1/2 टीस्पून और ऐड करूँगी, तो इसमें 2.5 टीस्पून मैंने समथिंग ऑयल स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन के बगैर गैस ना मटरी अच्छी लगती है, ना ही नमक पारे। तो अजवाइन मैंने 1/2 चमचा वही वाला जो जिसमें चीनी ली थी, तो उसी से 1 बड़ा वाला चमचा अजवाइन मैंने ऐड कर दिया है। तो गाइस, मटरी बनाने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है? तो गाइस, मैं इसको सबको मिक्स कर रही हूँ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मैं केवल ऑयल में ही मिक्स कर रही हूँ। अब इस तरीके से जब मिक्स करेंगे तो क्वांटिटी आपको परफेक्ट पता करने के लिए आप रेसिपी पूरी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपके सांखे और मटरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाले हैं। तो गाइस, जब इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो अगर ऐसे करके जब लड्डू बनने लगता है, यानी आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इस तरीके से मैदा और ऑयल का इस तरीके से डो तैयार हो जाता है। हाथ में मुट्ठी बांधती हूँ तो मुट्ठी बन जाती है और ये परफेक्ट टाइट हो जाता है, तो आपका मोन परफेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको गूंदने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ही गर्म लेंगे, ना ही ठंडा लेंगे, और ना ही बर्फ़ वाला लेंगे फ्रिज से। तो जो आपके घर में नॉर्मल जैसे पानी आरओ का आ रहा हो, तो वही वाला पानी लेना है। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ले लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैं डो तैयार कर रही हूँ, और डो के लिए आपको उसी तरीके से गूंदना है जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं। पराठे का डो अगर तैयार करेंगे तो आपके साके जो है बहुत ही गीले बनने वाले हैं और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको जैसे पूड़ी टाइट होती है, उसी तरीके से डो तैयार करना है। तो आटे को थोड़ा टाइट ही रखना है, और बेलने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर आपके साके और मटरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करारे कुरकुरे बनेंगे। तो गाइस, पूरी रेसिपी देखिएगा, और पूरी रेसिपी इस तरीके से आप बना सकते हैं नमक पारे। तो गाइस, अगर आपको मीठे पारे पसंद है तो मीठे पारे की भी रेसिपी मैं डालूंगी, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, तो मैं मीठे पारे की भी रेसिपी डालूंगी पूरी परफेक्ट। तो सो गाइस, इसका डो तैयार कर रहे हैं, इस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। और डो उसी तरीके से तैयार करना है जिस तरीके से पूरी का डो तैयार करते हैं। सो गाइस, जिस तरीके से डो तैयार कर रही हूँ, और पानी जो आप देख सकते हैं कि मैंने जो 1 गिलास पानी लिया था उसमें थोड़ा अभी बचा हुआ है, और मैंने परफेक्ट पानी डाल दिया है, अब डो परफेक्ट तैयार है। तो गाइस, 1 किलो मैदा में 1 गिलास समथिंग पानी लगता है, तो उसमें बच भी जाएगा, क्वांटिटी आपकी पानी की इतनी रहेगी, 1 गिलास में इतना पानी बच जाएगा। तो गाइस, बिल्कुल परफेक्ट आटा आप देख सकते हैं कि इतना सॉफ्ट हो गया। तो जो इस तरीके से जो डो मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसी में ही डो तैयार करना है, और पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ज़्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा, और उसको दोनों हाथों से मिक्स करके अच्छे से गूंद लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से मैंने डो तैयार कर लिया है, अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इस तरीके से ऑयल मैंने हाथ में ले लिया है,
अब इसके चारों तरफ लगा देंगे अच्छे से। तो गैस 1 किलो मैदा में 1 गिलास समथिंग पानी इसमें लग गया है पूरा और परफेक्ट डो तैयार हो गया है। तो गैस आप देख सकते हैं कि डो मैंने नमक पारे और मटरी के लिए किस तरीके से तैयार किया है। तो यह सॉफ्ट भी लग रहा है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस तरीके से आप जब हाथ में लोई लेंगे तो थोड़ी जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से समथिंग डो तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि जब लोई हाथ में लेंगे थोड़े से टाइट हाथों से लोई तैयार होगी और ये परफेक्ट डो तैयार हो गया है। जब अंगूठा इसमें गड़वाएंगे तो इसमें टाइट रहेगा। दोनों हाथों से प्रेस करके इस तरीके से लोई तैयार बनाएंगे। अब इसमें जो अंगूठा गड़वाएंगे तो ये टाइट है, अगर गीला डो तो होता तो नहीं बन पाता। तो गाइस परफेक्ट डो तैयार हो गया है। इस तरीके से गाइस आप डो मटरी के लिए और नमक पारे के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से चलाने के बाद इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करके और इसको रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप नमक पारे और मट्टी का डो बना सकते हैं। जब उंगली में गड़ो रही हूँ तो बहुत टाइट टाइट जा रही है, तो इसी तरीके से डो तैयार कीजिएगा। अब इसको ढक देंगे और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। सो गाइस 10 मिनट के बाद बनाएंगे मटरी और नमक पारे। अब इसको ढककर रख देंगे। एक प्लेट ले लेंगे और इसको ढक देंगे। तो गाइस मिलते हैं 15 मिनट के बाद। इस तरीके से आप डो तैयार कर सकते हैं। तो गाइस आपको नमक पारे और मटरी की डो की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस डो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तैयार हो गया है और मैंने लोई तोड़ ली है। चाहे तो आप इसको चक्के बेलन पे भी बेल सकते हैं, चाहे तो आप इसको पत्थर पे भी बेल सकते हैं। तो गाइस मैंने पत्थर पे बेल के दिखाऊंगी और पत्थर पे बेल रही हूँ। पत्थर पे बहुत ही जल्दी बेल जाता है। या आप चक्का बेलन ले लें तो चक्का बेलन पर भी बेल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से बेलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेलेंगे। इस तरीके से पतली लेयर का बेल लेंगे। तो गाइस इस तरीके से मैंने बेल लिया है। तो पहले बनाऊंगी नमक पारे। अब लूंगी एक चाकू। चाकू से जो भी शेप देना चाहें वो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको शेप देने के लिए थोड़ा तिरछा लेंगे, चाहे तो सीधा सीधा भी कटिंग कर सकते हैं या फिर थोड़ा तिरछा ले लें। इस तरीके से नमक पारे मैंने काट लिए है। एक थाली लेंगे उसमें निकाल लेंगे। इस तरीके से तो ये नमक पारे मैंने इस तरीके से बना लिए गाइस। अब बनाएंगे गाइस मटरी। इस तरीके से गोल रोटी के आकार में बेल लेंगे मटरी बनाने के लिए। ये परफेक्ट बेल चुका है। एक गिलास लेंगे और गिलास को इस तरीके से बना लेंगे, शेप दे देंगे गिलास से। इस तरीके से जो शेप दे दिया है गिलास का वो वैसे ही जैसे साके के लिए मैंने बेला था वैसे ही बेलेंगे। अब इसको मट्ठी बनाने के लिए गाइस एक कांटा ले लेंगे और कांटे में इस तरीके से गोद लेंगे। अगर कांटे से अगर नहीं गोदेंगे तो आपकी मट्ठी नहीं बनेगी, पूड़ी बनके तैयार हो जाएंगी। तो इस तरीके से कर देंगे और मट्ठी जो है आसानी से निकाल लेंगे। तो ये रही मट्ठी। इस तरीके से मटरी बना लेंगे।
और कांटे से तरीके से गोद लेंगे। तो ये गैस मटकी बनकर तैयार हो गई। तो गैस ये मैंने बनाई है नमक पारे और ये बनाई है मटरी। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं नमक पारे का शेप ये रहेगा और मटरी का गोल रहेगा। तो चलते हैं गैस गैस की तरफ। इसी तरीके से गैस बना लेंगे मटरी और नमक पारी। अब जो मैंने चारों तरफ निकाला था वो इसको फिर बेल लेंगे। इसको वेस्ट नहीं करना है और इसकी फिर दोबारा से आप मटरी बना सकते हैं। और ये गिलास ले लेंगे और गिलास से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और ये आपकी बढ़िया मट्टी बनकर तैयार हो गई है। सो गाइस ये मटरी और नमक पारे इसी तरीके से सारे बेल लेंगे। चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे, इसको रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई आप जो भी ले चाहें वो ले सकते हैं, चाहे तो लोई की ले सकते हैं या नॉन स्टिक की ले सकते हैं। इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल गरम करेंगे। सो गाइस ऑयल गरम हो गया है और जो मैंने नमक पारी की कटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से, जो मैंने नमक पारी बनाई है वही मैंने बनाई मटरी। तो सबसे पहले बनाएंगे नमक पारे। तो नमक पारे इसमें गर्म ऑयल में डाल देंगे बहुत ही आसानी से। अभी चलाना नहीं है, अभी ऐसे ही 2 मिनट के बाद चलाएंगे। 2 मिनट हो चुका है, अब इसको चलाएंगे। गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे और चलाने के बाद जब मैंने इकट्ठे डाले थे गैस ऑयल में जाके सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अब देख सकते हैं कि सारे अलग हो चुके हैं और इस तरीके से ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक कि दो नमक पारे और बेल लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने गैस को हाई फ्लेम पर रखा है और इसको अच्छे से भून रहे हैं और ये अच्छे से जितने अच्छे से फ्राई होंगे उतने ही ज़्यादा कच्चे नहीं रहे हैं। इस तरीके से गुलाबी बनाना है, इसको गुलाबी भूनना है। अब आप देख सकते हैं गाइस ये गुलाबी होने वाले हैं और इसको ज़्यादा काले नहीं करना है और ना ही ज़्यादा जलाना है इनको। तो नमक पारे बनाने के लिए गाइस जैसे जो ऑयल की जो छनछनाहट आप देख रहे हैं, जब ये पक जाता है अच्छे से फ्राई हो जाता है तो ये थोड़ा सा धीमा हो जाता है। तो अभी तो ये छनछनाहट हो रही है, अभी ये छन 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 हो रही है तो ये धीमी हो जाएगी। जब धीमी हो जाएगी तो परफेक्ट आपके नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये फ्राई होना हल्का सा धीमा हो गया है और ये नमक पारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, गुलाबी हो चुके हैं इस तरीके से। अब इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये गुलाबी हो गए हैं, कुकड़िया अच्छे से करारे हो गए हैं। इसमें डाल देंगे गैस मटरी। गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। तो गैस को लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, मटरी गैस मोटी होती है तो इसको लो फ्लेम पर ही करना है। अब मैंने डाल दी है मटरी। मटरी धीमी आंच में बनती है इसलिए इसको लो फ्लेम पर ही रखना है। तो गैस आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम पर मटरी बनके तैयार हो गई है। मटरी गैस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप चाय के साथ खाइएगा, चाहे तो आलू का भरता बनाकर
खाइएगा। आलू का पराठा बनाने की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, और अचार से भी, अचार बुकनू लगा कर भी मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो गाइस ये मठरी बनकर तैयार हो गई है, इसको भी निकाल लेंगे। सुबह कहीं से नमक भरे बनके तैयार हो गए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कटहार उसकी कि किस तरीके से करारे और कुरकुरे बने हैं। और इसको तोड़ के भी मैं दिखाती हूँ, तो वैसे देख सकते हैं कि अंदर कच्ची भी नहीं है, और इस तरीके से परफेक्ट नमक पारे बनके तैयार होगा। इस तरीके से गाइस नमक पारे आप बना सकते हैं, और ये रही गाइस मठरी, मठरी भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं, और इसको चाट मसाला डालकर खाइएगा, या बुकनू या आलू का भरता जो भी अवेलेबल आपके पास हो उससे चाय के साथ खाइएगा मठरी। तो गाइस मठरी और नमक पारे इस तरीके से आप बना सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं एक दो महीने के लिए, और ये ख़राब भी नहीं होगी, और कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से इसको खा सकते हैं। तो गाइस ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई, तो आपको रेसिपी की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कम्युनिटी ऑप्शन में एक नया चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और खाइएगा मठरी और नमक पारे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।